यूपी के लालगंज में बीजेपी सांसद नीलम सोनकर का गांव वालों ने जमकर विरोध किया। नीलम सोनकर वहां एक कंबल बांटने के कार्यक्रम में पहुंची, लेकिन वो कार्यक्रम में पहुंच पाती इससे पहले ही गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया और विरोध में नारेबाजी करने लगे। इस नारेबाजी के बीच बीजेपी सांसद आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ उन्हें घेर कर नारेबाजी करती रही, जबकि उनके साथ के लोग उन्हें धीरे चलने की सलाह देते सुनाई पड़े। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर भीड़ ने उन्हें एक बार फिर रोक लिया और वहां मौजूद लोग शोर मचाने लगे। इस बीच बीजेपी सांसद के साथ आए लोगों ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए सांसद नीलम सोनकर के पीछे पीछे कार्यक्रम की जगह तक पहुंच गए। वहां भीड़ से घिरी सांसद की गांव वालों से काफी बहस भी हुई। हमारे यहाँ हरदम आधे आदमी है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि पिछले 4.5 सालों से बीजेपी सांसद ने उनके इलाके की सुध नहीं ली। इस तरह के सांसद अगर दोबारा चुने जाएंगे तो जो पिछले 4.5 साल में हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, वही अगले 5 सालों में भी यही दशा है। हालांकि बीजेपी सांसद ने इस विरोध को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों की साजिश करार दिया,